हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। किसी पेशेंट को अगर बार बार बुखार आ रहा हो या फिर उसे जब आपने अभी मेडिसिन ली या फिर आपने दिया उसके बाद उसे बार बार बुखार आ जा रहा है तो उस टाइम पे क्या करना चाहिए। और ये वीडियो उन सभी के लिए है जो लोग हेल्थ एडवाइज़र्स हैं या फिर प्रैक्टिस करते हैं या फिर डॉक्टर्स हैं, तो वो लोग ही इस चीज़ को अप्लाई करें। घर पर ये चीज़ें बिल्कुल ट्राई ना करें, क्योंकि घर पर ट्राई करेंगे तो आपका नुकसान ही होना है। और फिर जब डॉक्टर के पास जाएंगे या फिर किसी भी चीज़ के लिए जाएंगे तो आपको प्रॉपर सर्विसेज नहीं मिल पाएंगी। तो इसीलिए ये चीज़ें हमेशा डॉक्टर के ऑब्जर्वेशन पे ही करें। बाकी इस पेशेंट को बहुत जल्दी जल्दी बुखार आ जा रहा था और पूरी बॉडी में फटीगनेस होता था, दर्द बना रहता था, बुखार भी खुल के नहीं आता था। तो जब ऑब्जर्व किया तो थोड़ा लगा कि इसका कुछ ज़्यादा है नहीं, थोड़ा सा इम्यून सिस्टम थोड़ा सा अप डाउन कर रहा है, जिस वजह से इसको कभी फीवर लगता है, कभी ठंडी लगती है, कभी गर्मी लगती है, कभी सर्दी हो जाती है। तो हम इसे जेंटामाइसिन डेक्सामेथासोन दोनों के कॉम्बिनेशन का 1 ml दोनों को ले करके इसे हम लगाने वाले हैं, इनके कमर पे लगाएंगे। तो कैसे सही तरीके से हिप रीजन पे लगाया जाता है इस बंदे को वो हम सिखाएंगे आपको। तो इसको सीखिए, देखिए, समझिए और सब चीज़ें घर पे बिल्कुल ट्राई मत करिएगा। बाकी ये सारी चीज़ें हेल्थ केयर एडवाइज़र हैं, नर्सिंग स्टाफ है या फिर फार्मासिस्ट की देखरेख में ही करनी चाहिए। बाकी चलिए वीडियो देखते हैं और सीखते हैं कि कैसे सही तरीके से कमर पे इंजेक्शन या फिर हिप में इंजेक्शन लगाया जाता है। बाकी ऐसी बहुत सारी वीडियोज़ पड़ी हैं, उनको जाकर के भी देखिए, अपना ढेर सारा प्यार दीजिए। और भी बहुत सारे वीडियोस पड़े हुए हैं तो उनको जाकर के सिर्फ ये नहीं करना कि उनको लाइक कर दिया, कमेंट कर दिया, मतलब उनसे सीखिए, सीखना ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी चलिए मिलते हैं किसी नई वीडियो में। बाकी पहले ये वीडियो देख लीजिए और सीखते हैं। जोर से बस बस हो गया, चलो।